नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। मैं रमेश, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली के जाफराबाद में शुरू हुए प्रदर्शन में पथराव हुआ है। आज हम इसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं और जानने की भी कोशिश करते हैं कि ये क्या है माजरा। पहले आप इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह से प्रदर्शन वहां पे हो रहे हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि काफी महिलाएं यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं। उनका मांग है सीए के अगेंस्ट में उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि कुछ रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के जाफराबाद में सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें काफी पथराव हुए। पथराव का वजह है, INI के मुताबिक इस बात निकल के सामने आ रही है कि इलाके में दो गुटों के बीच पथराव हुई है। पथराव का वजह सिर्फ साफ साफ समझ में आ रही है, सीए और एनआरसी के लेकर जिस तरह से देश में बवाल फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ में उनका प्रदर्शन चल रहा है। और ये भी निकल के आ रही है, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन में 22 फरवरी को देर रात से वहां पर प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें 500 से ज्यादा लोग वहां पर शामिल थे। और माहौल इस तरह से वहां खराब हुआ कि आज वहां पर काफी प्रदर्शन हुआ। उनकी मांग यही थी कि सीए और एनआरसी के वापस लिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 महीने से हो गए हैं शाहीन बाग में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। इसके बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था कि आप उस रास्ते को काफी देर तक आप ब्लॉक नहीं कर सकते, आपका राइट है, आपका डेमोक्रेसी में आप चीजों को आप सरकार से आप मांग कर सकते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक जगह है, जो रास्ते हैं, उस पर भी आप काफी समय तक नहीं बैठ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मध्यस्थता की बात कही थी और बीच के रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक जो नतीजा सामने आ रहा है अभी तक वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तमाम सारे चीजों को लेकर जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पर महिलाओं ने संविधान के अगेंस्ट में उन्होंने नारा लगाया। जैसा कि दूसरी तरफ में सरिता बिहार में जसोला में स्थानीय नागरिक शाहीन बाग सीए यानी के खिलाफ प्रोटेस्ट शामिल में मांग, शाहीन बाग को यानी के पास में जो रोड है उसको बंद कर दिया गया, जिससे नोएडा जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, जिससे कि जो 2 मिनट या आधे घंटे की दूरी 3-3, 4-4 घंटे जाम लग जाता है, वो काफी क्राउडेड एरिया है। तो इस वजह से काफी दिनों से ये चीजों चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि शाहीन बाग के जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, पता नहीं ये कब खत्म होगा, लेकिन आप इसको जरूर बताइए कि आपका क्या मानना है कि सरकार के द्वारा ली गई ये सही डिसीजन है या क्या है। इसलिए कि देश में दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इकोनॉमी का हाल बहुत खराब है, इकोनॉमिक्स और जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लेकर यहां पर काफी सारी चीजें निकल के आ रही है। तो क्या इसके भी सीए और एनआरसी जिस तरह से सरकार कह रही है, सीए तो आ गया है लेकिन अभी एनआरसी अभी आई नहीं है, क्या आपको लगता है कि एनआरसी आता है तो हमारे देश के लिए अच्छा है या बुरा है, आप ही जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा कि कुछ मैसेजेज आ रहे हैं, मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के स्वीकार किया कि लोगों के प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कोर्ट यह भी कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर किसी सड़क को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को हटाने की तैयारी कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि प्रदर्शन की वजह से कई सड़कों प्रभावित है। इस मामले के बीच का रास्ता निकालने का सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थों की नियुक्ति की है। एक मध्यस्थ बजाय सुप्रीम कोर्ट को अपना एफिडेविट भी देगा और एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग में प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और उन्होंने कहा कि शाहीन बाग को इर्द गिर्द 5 चौकों का रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। तो जैसा कि रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, ये काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार के बीच का रास्ता निकलने का कोई निकल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोबारा से आपको वीडियो दिखाता हूं कि किस तरह से वहां पर प्रदर्शन हुआ, आप पहले इस वीडियो को देखिए। जैसे कि महिलाएं आपको दिख रही हैं, जैसे ब्लैक कलर की जगह सब महिलाएं आजादी की नारे लगा रही हैं, किस चीज की आजादी की मांग कर रही हैं, आप वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिससे कि
जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, जैसा कि खबरों में आ रही है। IENA के मुताबिक एक खबर मैं आपको एसटी न्यूज चैनल पर दिखा रहा हूं। तो आज के लिए यही एक छोटी सी न्यूज हमने सोचा कि आपके लिए बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीज न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।